गाइस गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल सीमास लाइफस्टाइल ब्लॉग। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने सेलिंग का, तो उसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है सारी चीज़ें लाना करना सब कुछ, तो इसके लिए ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही। बहुत लोग बोलेंगे हाँ अभी पैसे कमाना है तो आप कह क्यों करोगे, ऐसा नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज अभी सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, आज है मंगलवार, कल का मेरा फास्ट था तो मैंने अभी दिया बत्ती कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से बैक कैमरा करके, नहीं यहाँ दिया बत्ती हो चुकी है, मंदिर की सफाई हो चुकी है, सारी चीज़ें मैंने कर ली है। और आज कुछ मेरे पार्सल्स जाने वाले हैं, आज कुछ ज़्यादा ही मेरा पार्सल्स है जाने के लिए, तो मैं आपको बैक कैमरा करती हूँ और दिखाती हूँ। वैसे तो मैं ईटिंग चैनल पर डाल ही रही हूँ कि क्या क्या जा रहा है क्या क्या नहीं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और जिनको ऑर्डर करना है वहाँ पर नंबर मेंशन रहता है, तो आप व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं लगेगा उस नंबर पर, सिर्फ मैसेज ही जा सकता है, तो आप लोग सिर्फ मैसेज में बात कर सकते हो। रुकिए मैं बैक कैमरा करती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैंने कल कितना पार्सल पैक किया है। 1 2 3 4 5 6 पार्सल है। ये जो छोटा वाला है ना, ये हाफ के जी है, तो इसको अभी पैक करना बाकी है, वो उसको बॉक्स में डालना बाकी है। बाकी ये कुछ 2 kg है, हाँ 2 kg 1 kg ऐसा समथिंग सब पार्सल है। इसमें जो जैसे मेरे पास बॉक्स थे वैसे वैसे डाल दिए, क्योंकि जो मेरे पास बॉक्स थे वो काफ़ी हार्ड थे और काफ़ी थिक है, तो इसीलिए उस बॉक्स का इस्तेमाल मैंने कर लिया है। और बाकी वैसे मेरे बॉक्सेस आने वाले हैं जो एक ही साइज़ के सारे बॉक्सेस, हाफ के जी 1 kg 2 kg के 5 kg के, तो ये सारे बॉक्सेस आ जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये 6 पार्सल यहाँ पे रखा हुआ और ये इस पर लेबल लग चुका है। तो कुछ पार्सल्स ये है 4, ये 2 इंडियन पोस्ट का है जो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया है, और बाकी का सारा स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है। अभी और भी स्टॉक आने वाला है, तो यही सब चल रहा है। वो सारा चीज़ पैक हो चुका है, अभी चल रही मैं चाय बनाने, उपवास तोड़ना है तो अभी चाय बनाऊंगी और साथ में नगेट्स वगैरह कुछ फ्राई करूंगी। यहाँ पे नगेट्स निकाल के रखे हैं, तो चलिए पहले दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ, ये तबेले का दूध आता है, ठीक है। अभी और भी मुझे काम है इसीलिए मैं फटाफट करके ले रही हूँ। और आप लोग का दिन कैसा जा रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मैं थोड़ा सा इसको दूर करती हूँ, तो आज बात करते करते थोड़ी सी, और अब मैं बताना चाहती हूँ कि जिनको ऑर्डर करना है ना वो कर सकते हैं, और जो नंबर देते हैं उस पर रिप्लाई करते हैं। बहुत लोगों के कमेंट होते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते हो, आपको बहुत ज़्यादा ये हो गया है वो हो गया है, यानी जो नोक झोंक है थोड़ी बहुत कमेंट में आता ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जिनको रिप्लाई करना, और एक वन बाय वन हम लोग मतलब कैसे एक जो है क्लाइंट उनको अच्छे से रिप्लाई करके उनका ऑर्डर है नहीं है उनसे अच्छे से बात करके फिर दूसरा मैसेज हाथ में लेते, ऐसे घाई घाई में मैसेज का रिप्लाई करेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेज रहते हैं बहुत सारे। तो अभी फिलहाल लगी है बहुत जोरों की भूख क्योंकि मुझसे तो पेट भरने वाला नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा इधर आके किचन में, कितना भी आप कमा लो लेकिन आपको घर का काम तो करना ही है खुद के लिए, क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं तो करना ही पड़ेगा। तो अभी फिलहाल अभी ये सारा अभी जस्ट आएंगे उसे लेने के लिए, घर तक ही आते लेने के लिए और लेके जाते, क्योंकि मैं प्राइवेट कुरियर से डालती हूँ। हाँ जिनको कुरियर का पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो इंडियन पोस्ट से मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और फिर मैं वो ले जाके डाल देती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने ईटिंग चैनल पर अपलोड किया था वीडियो जो इंडोनेशिया गया था, और भी अभी पार्सल्स है जो बाहर जाएगा तो उसका वीडियो भी मैं ईटिंग चैनल पे ही शेयर करूंगी। बाकी बातें सारी चीजें मैं इसी में बता देती हूँ, इसमें भी बताती हूँ उसमें भी बताती हूँ, क्योंकि सारा चैनल तो मेरा ही है, सब लोग जो इस पे है वो उस पे है, जो उस पे है वो इस पे है, इसलिए मैं दोनों ही चैनल पे सारी चीजें बताती रहती हूँ। तो अभी घर का सारा काम बाकी है लेकिन मैंने सोचा चलो फास्ट कुछ खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बर्तन है वो धोना है, रात को मैं बिल्कुल नहीं धोई क्योंकि कल बहुत ज्यादा थक गई थी। कल गई थी मैं ट्रांसपोर्ट यहाँ से भिवंडी, जो भिवंडी ट्रांसपोर्ट है वहाँ गई थी, वहाँ से जो स्टॉक आया था उसको लेके फिर मैं घर आई। उसके बाद से परसों के दिन एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ मैं फ्रूटी को यहाँ पे लग गया था, कार एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ पे फ्रूटी को लग गया था, तो उसको एक्सरे कराने के लिए लेके गई, फिर वापस परसों रात को एक्सरे कराया था, तो संडे था तो डॉक्टर नहीं थे, तो फिर वहां से एक्सरे करा के ऑनलाइन उनको दिखा के फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट डे मंडे को आप लेके सामने सामने दिखा दो, तो फिर कल उसको लेके गई, वहां से लेके आई दिखा के तो नॉर्मल है अभी, कुछ भी मतलब उसको तो नहीं है, लेकिन स्वेलिंग बहुत हो गया था यहाँ पे एल्बोज में क्योंकि वो कार से डायरेक्ट बाहर गिर गई,
जब टायर फूटा ना तो गाड़ी गोल गोल घूम गई और वो कार से बाहर गिर गई। गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई। ये है कि किसी को कुछ नहीं हुआ, कि खरोच तक नहीं आए, ऊपर वाले की मेहरबानी कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ, सब बच गए, सिर्फ थोड़ा सा फूटी को ही प्रॉब्लम हुआ। तो कल उसको यहाँ पे, और कल फास्ट भी था, तो कल फूटी को घर छोड़ी, छोड़ने के बाद से उसके बाद वापस से सेम रिक्शा मैंने भिवंडी घुमा लिया और भिवंडी से जाके जो स्टॉक था वो लेके आई, फिर सारा पार्सल पैक किया, फरार बनाया, बच्चों के लिए खाना बनाया, उसके बाद से फिर रात को भी मैंने पार्सल पैक किए, और कुछ पार्सल तो कल ही चले गए, जो दोपहर तक शाम तक जाने थे वो तो कुछ तो कल ही चले गए, और उसके बाद से मेरा फरार, फिर रात को फिर वही मैंने जैसे ही खाना खाई और मैं कब सो गई मुझे कुछ भी नहीं पता, और डायरेक्ट सुबह आँख खुली 4 बजे। उसके बाद से फिर मैं थोड़ा इधर उधर जो पार्सल बाकी था पैक करना वो मैंने पैक किया, थोड़े बॉक्सेस भी मंगाने हैं, मैंने ऑलरेडी मंगा लिए हैं, कुछ प्रोडक्ट और भी मंगाना है जैसे टाइनी वगैरह, तो वो भी अभी ऑर्डर करना है मुझे, किया है ऑलरेडी, और तो वो सारे आने बाकी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ना कम से कम नहीं तो 4 से 5 दिन तो मेरा खुद के पार्सल का लग रहा है, खाली आप लोग का नहीं, जो पार्सल मैं ऑर्डर कर रही हूँ ना वो भी टाइम लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि पार्सल क्यों नहीं मिल रहा है और चेहरा कुछ ज्यादा लाल लाल दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा रह गया है ये ना, अगर चेहरे पे कुछ हो जाए ना तो अजीब सा लगने लगता है, तो यहाँ तेल गर्म हो गया, चलिए मैं इसे फ्राई करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ बाद में, क्योंकि मैंने मोबाइल ना इधर किचन की विंडो पे रखा है, अगर थोड़ा सा भी हुआ तो फूटने के चांसेस ज्यादा रहते, तो इतना रिस्क नहीं लेना। और फाइनली ब्रेकफास्ट करके हो गया, और थोड़ा सा मैं सो गई थी, ब्रेकफास्ट करके हो गया, और यहाँ पे कुछ पार्सल्स मैंने रखे हैं आपको दिखाती हूँ, पार्सल्स जाने के लिए रेडी हो गए, अभी आएंगे और वो लोग लेके जाएंगे, जो लेबल नहीं था तो लेबल भी लगा दिया है मैंने ऑलरेडी, और वहाँ कपड़े रखे धोने के लिए, और यहाँ पे सब मैंने पसारा मेरा बाम आईडेक्स और ये सारी चीज़ें रखी हुई है, अंदर वो लोग अपना क्लास कर रहे हैं, तो ये सारा पार्सल जाएगा, अभी और भी पार्सल्स पैक करने हैं मुझे, तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, सोचे कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते उसके बाद, और यहाँ पे देखिए ज़्यादा दिख रहा है लेकिन ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा हो रहा है वो, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आराम करती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, उपवास था ना कल का इसके लिए, तो रेस्ट करने के बाद से अगर कुछ बनाती हूँ तो रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, और सॉरी ये ब्लॉग अभी मैं 2 दिन के बाद स्टार्ट कर रही हूँ, और आज है तीज, मैंने पहना है साड़ी चूड़ा, और सबको हैप्पी तीज, और किस किस का तीज का व्रत है, और को किस का किसका निर्जला व्रत है, मेरा तो निर्जला व्रत है तीज का, और बहुत लोग मतलब तीज का जो व्रत है ना चाय पानी भी पीते हैं, और बहुत जगह निर्जला होता है, और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जस्ट अभी बाल गीले ही हैं, मैंने कुछ भी बालों को नहीं किया है, थोड़ा सा ही बस आई लाइनर काजल लिपस्टिक लगाया है, सिंदूर लगाया है, चूड़ा पहना है, मैंने बोला चलो आज पहन लेते हैं, और बाकी अभी तो फास्टिंग है तो अभी कुछ करना नहीं है, लेकिन वहाँ सारा पैकिंग है, ऑर्डर है, वो पैकिंग करना है, तो मैं थोड़ी देर बाद करूँगी, अभी तो करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और यही है आज का, और पूजा वगैरह हो चुका है मेरा, तो चलिए मैं ये दिखाने के लिए मैं बोला चलो कैमरे के सामने आते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो सच सच बताना मैं कैसी लग रही हूँ, कोई अगर गलत कमेंट किया ना तो बहुत मार पड़ेगी तो चलिए यहाँ पे कॉल भी आ रहा है, क्लाइंट के कॉल है जो मतलब ऑर्डर करते हैं, उनका कॉल आ रहा है, तो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल, और फिर मैंने जो कल ब्लॉग स्टार्ट किया था, वीडियो शूट किया था, शूट किया था, उसे मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि फास्टिंग था, कुछ मन नहीं हो रहा था, और अभी सुबह 3:30-4 बजे उठ के मैंने फास्ट तोड़ा। Hello. ये फास्ट ऐसा होता है ना, सॉरी गाइस एक कॉल आ गया था इसके लिए मैं वीडियो होल्ड पे रख दी, तो मैंने जो फास्टिंग है वो 3:30-4 बजे मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हमारे वहाँ कहा जाता है कि जब तक बर्ड्स नहीं बोलते ना उससे पहले आपको व्रत तोड़ना रहता है, ये तीज का व्रत, जैसे कोई देखना नहीं चाहिए, कोई बर्ड्स बोलनी नहीं चाहिए, या कोई भी पक्षी बोलने नहीं चाहिए, तो अभी फास्ट तोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बांधनी की साड़ी पहनी है, जेमते मैंने सुबह सुबह 3:30 बजे पहन लिया नहा के, और हेयर वॉश भी किया, तो अभी हेयर को ये करूँगी बांधूँगी, और वहाँ पे देखिए मैंने पार्सल अभी रिसेंटली पैक किया जो नीचे रखा है ना रिसेंटली, और अभी सारा न्यू स्टॉक का मैंने ऑर्डर दे दिया है, तो वो भी आ जाएगा, अभी बहुत कम स्टॉक बचा है, लेकिन क्लेपॉट और पंजाब की मिट्टी बची है, वो लोगों को थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है इसके लिए, बाकी स्लेट बास वगैरह तो इजीली जा रहे हैं, वो भी जा रहा है, बहुत सारे वो भी गए हैं, मुझे लमसम ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो अभी न्यू स्टॉक भी आने वाला है, और मैंने कल ऐसी मेहंदी थोड़ी सी लगा ली, देखो बीच में ख़राब हो गया, सब लोग ने मेहंदी लगाया था, मैंने मेहंदी ही नहीं लगाया,
तो चलिए अभी मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इसमें काम करने को नहीं जम रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, इसीलिए मुझे अभी वो भी पैकिंग करनी है। मैंने अभी दो तीन चार अभी वो अभी एक्चुअली आने वाले हैं, उन्होंने कॉल किया कि मैम आप पैक करके रखिए, आपका पार्सल अभी लेके जाना है, पिकअप है। तो फिर इसके लिए मैंने अभी जल्दी जल्दी कर लिया, अभी जा रही हूँ चेंज करने। चेंज करने के बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। आज ब्रेकफास्ट मैंने घर में कुछ नहीं बनाया, बाहर से वही साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मंगाया है, क्योंकि कुछ हिम्मत नहीं हो रही है करने के लिए। मुझे लगता है ना 30 आवर्स हो गए थे बिना पानी का व्रत। मैंने मंगलवार रात से 12 बजे से स्टार्ट किया था मॉर्निंग को 3 बजे, आज है गुरुवार, सुबह 3:30 बजे मैंने व्रत तोड़ा है। तो चलिए, तो क्या एनर्जी कहाँ से रहेगी। तो भी मैंने कल कोई भी पैकिंग नहीं किया, कोई भी ऑर्डर्स बहुत सारे हैं लेकिन पैकिंग कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि आज पूरा दिन में पैकिंग कर लेती हूँ, और जो मेरे बॉक्सेस है वो भी नहीं आए हैं तो वो भी आ जाएंगे, तो फिर पूरा जितना भी ऑर्डर से सारा पैक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, और ये ब्लॉग का एंड आज ही कर दूँगी और पब्लिश कर दूँगी।